नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सभी को। दिवाली से छुट्टी से पूर्व हम पढ़ रहे थे, दिवाली की छुट्टियां लगी उससे पहले गलता लोहा, शेखर जोशी का पाठ था गलता लोहा, जिसमें मोहन और धनराम की अच्छी कहानी है ना। तो हमने पढ़ लिया था पेज 58 तक पूरा कर लिया था, और आज हम पढ़ेंगे 59 तक। पेज नंबर 59 से शुरू करेंगे, जहाँ से त्रिलोक सिंह जी मास्टर जी, जो उनके कक्षा अध्यापक या स्कूल अध्यापक थे, और किस तरह से उनकी दुनाई करते थे, और मोहन को उन्होंने मॉनिटर बना रखा था। तो ये पाठ है। त्रिलोक सिंह मास्टर का ये सामान्य नियम था। क्या नियम था? कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार की बना होता था। जिसको सजा नंबर आता है, जो कोई जवाब नहीं दे पाता है, क्या नाम से उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, तो उसके लिए सजा देने के लिए वो क्या नाम से डंडा, जो भी संटी है, उसी बच्चे से भगवा देता था, लेके आ दौड़ के ले गए। बच्चा डंडा लेके आता था और उसी बच्चे से बच्चे को पिटाई करते थे। और जाहिर है, बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा है। अर्थात बच्चा जो डंडा लेके आता या संटी लेके आता, कुछ भी लेके आता, तो उसी मोटी सीख तोड़ के लाता हो, जैसे कोई दूसरे लिए, अपने लिए नहीं, दूसरे लिए आ रहा हो। वो क्या, क्योंकि मास्टर जी को संतुष्ट करने के लिए। मास्टर जी खुश हो जाएंगे कि देखो बच्चा खुद की पिटाई हो रही है, और खुद की पिटाई के लिए बड़ा डंडा लेके आया है, अच्छा डंडा लेके आया है। तो इस तरह की बात थी, इस तरह का नियम था। क्या नाम से मास्टर? त्रिलोक सिंह जी का, जो पढ़ाया करते थे, मैथ्स पढ़ाते थे उनको, और मैं सभी पढ़ाते थे उसमें। तो धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर की पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। मंद बुद्धि थी, कमजोर दिमाग था थोड़ा, क्योंकि घर का काम भी करता था और पढ़ाई का काम भी करता था, लेकिन पढ़ाई में इतना तेज नहीं था वो। उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो दिमाग है, वो इतना मोहन के अपेक्षा कम चलता था उसका, है ना। तो डर था उसके मन में, उसको 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ था। 12 तक का पहाड़ा तो उसे याद कर लिया है, लेकिन 13 का पहाड़ा उसको याद, 13 का कठिन है, 13 पहाड़ा होता है, उसको बोलते हैं 13 एकम 13, 13 तुम 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, इस तरह से जो पहाड़ा बोला जाता था, वो पहाड़ा बच्चों को हमने भी सीखे जब पढ़ते थे स्कूल में, तो हम भी याद करते थे, आप भी याद करते हो, सभी याद करते हैं। तो क्या नाम से, उसको 13 का पहाड़ा उसको याद नहीं हो पाता था, उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा, तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो फिर लटकड़ा गया। जब तीसरा पेड़ आया और उससे कहा कि भाई मोहन, क्या नाम से, धनराम, तू 13 का पहाड़ा दोबारा सुना, तो उसने याद किया, लेकिन वो याद नहीं हो पाया। तीसरी सीढ़ी मतलब 13 थी, वहां तक अटक गया वो। 13 एकम 13, 13 दुम 26, 13 थी 39, 39 से आगे नहीं बढ़ पाया, उसको याद नहीं हो पाया, लटक गया बेचारा, आगे नहीं सुना पाया वो। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लिए लाए हुए बेत का उपयोग करने की बजाय जुबान की चाबुक लगा ली। अर्थात उसको पिटाई तो नहीं की, पिटाई भी की, लेकिन जुबान अपने जो वाणी से उसकी चाबुक लगाया, उसको बोला, उल्टा सीधा बोला, क्या बोला उसको, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, खरे अर्थात लोहार का बच्चा है, और लोहारा काम करता है, तेरे दिमाग में कहां से पहाड़ा आएगा, तेरे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, इसलिए तो याद नहीं कर सकता। विद्या का ताप कहाँ लग गया? विद्या पढ़ाई का जो ताप है, पढ़ाई का जो क्या नाम से जोर है, पढ़ाई का क्या नाम से प्रभाव है, वो तेरे को नहीं लगेगा, क्योंकि तेरे दिमाग में तो लोहे का क्या नाम से उभरा हुआ है, लोहा भरा हुआ, कहते ना तेरे, बोलते हम भाषा में बोलते कभी कभी, है तेरे मिट्टी भरी हुई है, तेरे तो भूसा भरा हुआ है, और तेरे तो लोहा भरा हुआ, लोहा इसलिए कि उसका काम पारिवारिक काम, खानदानी काम लोहार का था वो, क्या नाम से, उसी वर्ग से आता था वो बच्चा, इसलिए उन्होंने कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, तेरे पढ़ाई का ताप नहीं लगेगा, विद्या का ताप नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, अर्थात पढ़ाई का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। दरातियां होती है जो दांतली बोलते ना, जिसे घास काटते हैं, टेढ़ी सी होती है दांतली, आप देखा होगा ऐसी,
वो धार लोहार था तो धार लगाने के लिए तेज करने के लिए उसको फल को उसको दे दिए पांच छह के ले लगा जा और इनके क्या नाम से धार लगा के लाना। किताबों की विद्या का ताप लगाने के सामर्थ्य धनराम के पिता को की नहीं थी। अर्थात धनराम भी लोहार था, वो भी लोहा काम करता था, वो भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, और बच्चे को कैसे पढ़ाए वो, लेकिन उसकी भी इतनी सामर्थ्य नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखने फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। अर्थात जब क्या नाम बच्चा छोटा था और छोटा बच्चा था तो उसने अपने काम में अपने जो स्वयं के रोजगार में अपने स्वयं के जो धंधे में लगा दिया, फूकने के लिए डालना क्या नाम से आग लगाना फूकना आदि जो भी काम होता है उनका लोहारों का उस काम में उसने लगा दिया। क्योंकि इसको करना यही आगे भी करना है, पढ़ाई तो ठीक है वही दो चार क्लास जाके पढ़ लेगा लेकिन आगे ये नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए इसको इसी काम में उसे लगा दो थोड़ा थोड़ा सीखेगा। और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। छोटा बच्चा पहले हवा मारना फूंक देना जो धोखी जलाना, उसके बाद के नाम से लोहा कूटना बनाना सामान बनाना ये था। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैंड चुनने को की छूट देते थे वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे, स्वयं अपने हाथ पैर से पीटते थे डंडा लग जो भी था उनके हाथ में। और जरा सी गलती होने पर क्षण हुई बैंद हुआ हत्या हुआ जो भी हाथ लग गया उससे अपना प्रसाद देते थे। जो भी हाथ में आ गया जो भी दिख लिया मंगाते थे तू ले गया प्रसाद देना सजा देने देर को तू डंडा लेके आ तो संडी तोड़ के ला ऐसा नहीं हुआ। तो जो भी हाथ में आसा पड़ा हुआ है चाहे हथौड़ा मिल जाए कहना डंडा मिल जाए चाहे कुछ भी मिल जाए जो भी देने लेने चीज है उससे उसकी पिटाई कर देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी मौत होगी जाना ही था सबको जाते हैं संसार से इसी प्रकार से जो उनके पिताजी वो भी चल बसे। धनराम सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पिताजी के जाने के बाद उसने जो अपना जो सारा काम है घर परिवार का जो भी लोहे का जो काम किया करते थे वो क्या नाम से धनराम ने संभाल लिया। स्वाभाविक है पिताजी नहीं है तो क्या करें, तो उनका जो व्यवसाय है उनका जो काम है वो उसके बेटे ने अपने ले लिया। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर करने लगे थे। अर्थात पहले तो गंगाराम का ऑफर करते थे ऑफर होता है जो लोहे का होता है और अब क्या नाम से वो धनराम का ऑफर करने लगे है? होता है पिताजी चले गए पिताजी का जो बेटा आया बेटे के नाम से होता है हमारे यहाँ भी होता है सब जो काम होता है कि वो उनका बेटा है वो नहीं रहे तो पुत्र है पुत्र का नाम से वो काम चल रहा है तो इस प्रकार से धनराम का ऑफर करने लगे है। इस तरह का जीवन उसका धनराम का वहां पर चल रहा था। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। अर्थात प्राइमरी स्कूल जब पास किया तो उसको छात्रवृत्ति मिली, सर तो जानते हो आप क्या नाम से स्कॉलरशिप पैसा मिलता है सरकार की ओर से वो मिला। और जो भाग क्या नाम से त्रिलोक सिंह कहा करते थे कि बड़ा टैलेंट लड़का बड़ा प्रतिभाशाली है ये स्कूल का नाम करेगा हमारा नाम करेगा गांव का नाम याद करेगा मतलब दिलाएगा और पूरे परिवार का नाम पूरे उसके अंदर आया तो उसको छात्रवृत्ति मिली। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुराहित करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। जो उसके पिताजी थे वंशीधर जी उनका हौसला बढ़ना है कि बेटे को छात्रवृत्ति मिली है पढ़ाई में तेज है तो बड़ा अच्छा खुशी हुई उनको और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। देखो बच्चा टैलेंट है बच्चा प्रतिभाशाली है और बच्चे के अंदर बुद्धि है तो आगे जाकर के अच्छा पढ़ेगा अच्छा आदमी बनेगा बड़ा अफसर बनेगा तो मेरा समाज का परिवार का गांव का नाम ऊंचा करेगा। तो उनकी इच्छा थी कि पढ़े लिखे आगे बढ़े। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। अर्थात जो पीढ़ियों से काम करते आ रहे पुरोताई का उसे निराश होकर कि इसमें ढंग से पेट पालन होता नहीं है ढंग से काम होता नहीं है कमाई होती नहीं है और कभी आ गया कभी
युद्धार्थ का अनुष्ठान कर दिया तो ठीक है, नहीं आए तो बैठे हैं। इसलिए वो चाहते थे कि बेटा को सरकारी नौकरी में लगे, अच्छी नौकरी लगे। तो इस तरह से उनका हौसला बढ़ा। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी दान दक्षिणा के बूते किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। जो भी मिल गया, जो भी कावल दे दिया, जो भी यजमान दे दिया, जो भी पुरोहित इनको मिल गया, उससे अपना पेट पालन करते थे, अपने परिवार का पेट चलाते थे, घर खर्च चलाते थे। वो चाहते थे बेटा पड़ा है तो अच्छा नौकरी लगे और घर के काम अच्छा चले। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, अर्थात जो उनका बेटा है वो पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी लग जाए और नौकरी लगने के पश्चात उनके घर का दारिद्र्य जो गरीबी है, दरिद्रता है, वो मिटा दे, वो दूर कर दे। ये उनकी हार्दिक इच्छा था, ऐसा उनका मतलब इच्छा थी। सबकी होती है, सब पिता की होती है कि अपना पुत्र जो अच्छा काम करे, अच्छी नौकरी लगे। उनकी भी इच्छा थी कि मेरा बेटा जो पढ़ने में अच्छा है, प्रतिभाशाली है, तेज है पढ़ने में, तो क्यों नहीं ये इसको अच्छी नौकरी मिलेगी और ये अपने घर का जो गरीबी है, घर का जो सारा वो काम है वो दूर हो जाएगा। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, उसके लिए पढ़ाना पड़ता है, उसके लिए कहीं बाहर भेजना पड़ता है, है? तो वो साधन नहीं थे उनके पास, वो ऐसा इतना पैसा नहीं था कि अपने गांव से बाहर जाकर के उसको बच्चे को भेजे और भेज के गांव पढ़ाई लिखाई करवाए। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील दूर था, अर्थात जो बड़ा स्कूल था पास कर ली, प्राइमरी पास कर ली, उसके बाद जो अगली कक्षा थी वो वहां से 4 मील, 4 मील होती है, एक क्या नाम से 1.5 किलोमीटर का एक मील होता है, तो 4-6.5 किलोमीटर जगह थी वहां से, वहां पर था वो। लेकिन बीच में नदी आती थी, पहाड़ी इलाका था, मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या रहती, अर्थात पढ़ाई 2 मील तो क्या नाम से वो पहाड़ी चढ़नी पड़ती थी और पहाड़ी चढ़ने के बाद उतर के फिर क्या नाम से आगे नदी आती थी। नदी को पार करना तो नदी पुलिया भी नहीं थी, नाव में बैठ के जैसे भी वहां छोटी पानी नहीं हो तो ऐसे जाना पड़ निकलना पड़ता था, तो ऐसा गाँव था उसका, बरसात में बिल्कुल रास्ता बंद रहता था। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। ठीक है, जैसा भी है पढ़ेगा, बच्चा जाएगा, जैसी भी व्यवस्था होगी वो करेंगे। जिस दिन नदी आ गई, बाढ़ आ गई, उस दिन नहीं आएगा, लेकिन जब तक पानी नहीं आएगा स्कूल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने अपने बच्चे के लिए कर दी थी। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता, बच्चा भी स्कूल जाता, पढ़ने में दिमाग था उसका, स्कूल के प्रति उनकी क्या नाम से वो इच्छा थी सी, तो जाता। और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटा, तातो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या वैष्णी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। जब वापस आता तो पिताजी क्या नाम से जो पुराने की किताबें हैं उनमें जो क्या नाम से कई लोग हैं जो बच्चे हैं विद्या वैष्णी पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई में जो ध्यान रखने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में कामयाबी हासिल की, किस प्रकार से अपना जो जीवन बनाया पढ़ा लिख करके, वो कहानी किस्से के नाम से अपने बेटे को वो सुनाया करते थे कि वो फला हुआ था, वैसे पढ़ा, वो क्या नाम से ऐसे जाता था पढ़ने, ऐसी समस्याएं उसको आती थी, फिर भी वो अपने इस समस्याओं से क्या नाम से अपनी परेशानी से दुख नहीं पाता था वो, और उनका चुनौती स्वीकार करते हुए और क्या नाम से उसे इस प्रकार से विद्या के लिए वो क्या करता था, वो ऐसा आदमी बना। इस प्रकार के किस्से कहानियां उसके पिताजी उसको सुनाया करते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। यजमान तो जहाँ पुजारी के नाम से जाता है पूजा पाठ करने के लिए बुलाते हैं उनको, उसको तो वहाँ एक यजमान थे उनके जो जान पर पहचान के परिचित होंगे, वहाँ कह दिया कि भाई कभी बच्चा पानी आ जाए, कभी ज्यादा बारिश आ जाए तो क्या नाम से आप इसको अपने घर पर रख लेना। तो इस तरह का उसने अपने पिताजी ने वंशीधर ने अपने बेटे के लिए कर दिया गांव। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की, नदी मान लो बारिश आ गई तो नदी पार करके इधर कैसे आएगा, तो उसको वहां रुकना पड़े गांव में, तो वहां आपके यहाँ ठहर जाएगा, इस तरह की व्यवस्था उन्होंने कर दी। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गाँव लौटा था, वहां रुक जाता नदी उतार होती क्या नाम से, तो नदी उतरने के बाद वापस गाँव आ जाता।
और नदी आ जाती तो यजमान के यहां मोहन रुक जाता था। संयोग की बात क्या होता है, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था तो पहाड़ी के दूसरी और भारी वर्षा के होने के कारण अचानक नदी का पांव पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंझाड़ पात पते लाने लगे, झाड़ झाड़ पात पते जो भी है लटे जो आसपास का जो कचरा होता है वो बारिश के कारण बहकर आने लगा निकलने लगा हुआ था। तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, घसियार होते हैं जो पानी को पकड़ करके और लोगों को नदी पार करवाते हैं, घसियारे उनको बोलते हैं वहां पर, है ना। तो कि लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमेले पानी का रेला उन तक आई पहुंचा, फिर भी जो मटमेला पानी है पानी जो बाढ़ आई वहां तक आ गया। वे लोग किसी प्रकार से कुशल इस पार पहुंचने में सफल हो गए, अर्थात भगवान की कृपा से ज्यादा बहनी हो और क्या नाम से इस पार आ गए हो। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए, घबराना स्वाभाविक है कि इतनी बाढ़ आने के बाद घसियारा पकड़ के लाते हैं, निकालते हैं, नदी पार कराते हैं और बच्चे के क्या नाम से जीवन के साथ तो है ही कुछ लफड़ा है, कभी भी कुछ हो सकता है, भगवान न करे ऐसा है, तो घबरा गए हो, है ना। और बच्चे के भविष्य के लेकर चिंता करने लगे, क्या करें, बच्चे को कहाँ भेजें, कहाँ ऐसी जगह पर इसको रखा जाए जहाँ ये वहीं पड़े वहीं रह ले। इस प्रकार से चिंता में डूब गए, उनको चिंता हो गई क्योंकि घसियार किस प्रकार से पकड़ के लाए, किस प्रकार से नदी को पार करवाए, किस प्रकार से उनको निकाला, ये चिंता उनको अपने बच्चे के प्रति बढ़ गई। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था, अर्थात उनकी बिरादरी का, उनके जाति का, उसका नाम था रमेश, वो गांव से क्या नाम से बाहर रहते थे, नौकरी करता हुआ शहर के अंदर लखनऊ के अंदर, और छुट्टियां लगी हुई थी, छुट्टियों में उनके गांव आया हुआ था। इससे बात चलती है, बात बात में उसने कह दिया भाई रमेश इस तरह की दिक्कत है, पढ़ाई है, और वो भी तैयार हो गया ले जाने के लिए, है ना। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, कहते हैं देखो ऐसा हो रहा है क्या करें, बड़ी दिक्कत है, बच्चा पढ़ने जाता है नदी आ जाती है, घसियारा पकड़ के निकालते हैं, वो तो अच्छा हुआ है जो कुछ हुआ नहीं, मान लो ज्यादा बाढ़ आ जाए, घसियारे नहीं माने वो आए उधर से और बच्चा बह जाए, कोई बात घटना हो सकती है, तो इसकी चिंता उनको होने लगी, वो करने लगे उसके रमेश से। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वो मोहन को उनके साथ ही लखनऊ भेज दे, अर्थात उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं इसको मैं ले जाता हूँ और लखनऊ में इसकी पढ़ाई लिखाई कराता हूँ, अपने पास के स्कूल में इसका नाम लिखवा दूंगा और वहां पढ़ेगा लिखेगा तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, कहते हैं सभी। हाँ उसका मतलब दूसरा था, एक बिना पैसे का नौकर उनको मिल गया खाने पीने के हिसाब से, तो वो तैयार हो गया। और सुझाव दिया कि वे मोहन को उनके साथ ही लखनऊ भेज देगा, तो जाए लगता लखनऊ और लखनऊ जाएगा तो मोहन को क्या नाम से वो ले जाएगा, उनको अपने साथ भेज देगा। घर में जहां चार प्राणी है एक और पड़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, चार प्राणी तो है और चार प्राणी के साथ एक काल होते ना, एक और बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे खाएगा पिएगा कोई बात नहीं, मौज करेगा और पढ़ाई करेगा वो, इस तरह से कह करके और क्या नाम से वो रमेश जी है मोहन को लेने के लिए तैयार हो गए। बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा, अर्थात शहर में रहेगा मेरे पास रहेगा तो केवल पढ़ाई में ध्यान रहेगा, अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, नाम करेगा आप सबका हम सबका, ऐसा कह करके और वह क्या नाम से मोहन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए, जब उनके बेटे की जो उन क्या नाम से मुसीबत दूर कर दी, परेशानी दूर कर दी, वो ले जाने को तैयार हो गया तो परमात्मा आ गए, भगवान ही करता है ऐसा काम, जब कोई मुसीबत होती है उसमें कोई हमको समाधान मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि परमात्मा है, परमात्मा के रूप में हमारे सामने आया है, तो क्या नाम से रमेश उनको भगवान के रूप में नजर आया जिसने उनके बेटे को ले जाने की क्या नाम से वो कह दिया और लेके जाएगा, उनकी समस्या थी वो दूर हो गई। उनकी आंखों में पानी सा जलाने लगा, होता ही जब अपने कोई मुसीबत आती है कोई दिक्कत आती है और दिक्कत आने पर कोई नाम से समाधान मिल जाता है, समाधान मिल जाता है तो हमको खुशी के आंसू आते हैं,
और उसी प्रकार से वंशीधर जी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए कि देखो रमेश एक प्रकार से अच्छा इंसान है जो मेरे बेटे को लखनऊ लेके जा रहा है, वहां पढ़ाएगा लिखाएगा, तैयार हो गया। जाति वालों का, अपने बिरादरी वालों का यही फर्ज होता है और उस फर्ज को निभाएगा, निभा रहा है। भरे गले से वे केवल इतना ही कह गए पाए कि बिरादरी का यही सहारा था, अर्थात गला भराया उनका, रोने लगे और रोकर ये कहा कि बिरादरी का, जाति का यही सहारा होता है जो जाति की मदद करता है, जाति के लोगों की मदद करता है, है? और इस तरह से उनका गला भराया, रोने के लिए उन्होंने स्त्री की बात कही, आंखों में आंसू आ गए, चलचरा आया आंखों में आंसू। तो इस प्रकार से जो रमेश है उनको भगवान के रूप में वहां पर नजर आया, दिखाई दिया। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापिस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा समा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अर्थात होता ही है, चाहे कितना ही कोई अच्छे ले जाए, कितना अच्छा रखे, कितना अच्छा ध्यान रखे, लेकिन दूसरा दूसरा होता है, पराया पराया होता है, और पराया के साथ वो गया, सहमा समा सा लखनऊ चला गया वहां पर। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। किस प्रकार से जो उनका जीवन है वहां पर, यहाँ किस प्रकार का जीवन था, गांव में किस प्रकार का जीवन था, किस प्रकार से अपने बलबूते पर स्कूल जाता था, पढ़ता था, आता था, वहां से अपने माँ बाप के साथ रहता था, लेकिन वो लखनऊ गया तो लखनऊ में उसका परिवर्तन हुआ है कि दूसरे दूसरे होते हैं। चाहे कितना ही कह दो कि मैं ले जा रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन पराया पराया होता है, अपने माँ बाप अपने माँ बाप होते हैं, घर परिवार के लोग घर परिवार के लोग होते हैं। तो घर की दोनों महिलाएं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, अर्थात वहां जो महिला थी घर के अंदर, एक को चाची बोलता होगा, एक को भाभी बोलता होगा, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले के ही सभी चाची और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। अर्थात गया तो ले तो गया, पढ़ाई के लिए था उसको, है? लेकिन पढ़ाई तो रह गई और मोहन ये लेके आया, मोहन दही लेके आया, मोहन सब्जी लेके आया, मोहन फला लेके आया, मोहन जो भी जिसको जरूरत पड़ती वो बुलाता, है? पढ़ने में बैठता और कोई आवाज लगाता, अरे भाई मोहन मेरे जरा बाजार से लेके आ जा, जरा ये काम कर दे। इस प्रकार से जिस प्रकार हमारे घरों में नौकर होते हैं ना, घरेलू नौकर, उस प्रकार से घरेलू नौकर की तरह उसकी स्थिति हो गई और वो काम करने लगा वहां पर। और उनकी घर की नहीं, घर की चाची भाभी नहीं, बल्कि आसपास जो पड़ोसी महिलाएं हैं वो भी उसको बोला, अरे मोहन है क्या वजरा भेजना, है थोड़ा सामान करवाना मंगवाना है, कोई भी काम करता है तो काम के लिए वो आसपास की महिलाएं उसको बुला लेती है, तो सबके काम में वो मदद करता, सबका हाथ बटाता, सबके क्या नाम से काम करता। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, एक ने आवाज लगाई कि मोहन थोड़ा दही मुझे ला करके दे दे, मोहन ये कपड़े धोबी को दिया, है? दूसरे आवाज लगाई कि कपड़े पड़े हैं ये धोबी के अंदर जो इस्त्री कर देगा, प्रेस कर देगा, उसको दे के आ जा, है? मोहन एक किलो आलू तो ला दे, तीसरी आदमी कही थोड़ा बाजार जाके और आलू खरीद लाए किलो। अर्थात मतलब कहने का अर्थ यह है कि जिसने जो चाहा उसने बुलाया, जिसने जो चाहा उसने, कोई चिंता नहीं कि पढ़ाई कर रहा है थोड़ी देर बाद ले आएगा, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ाई तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी ने उसको पढ़ने के हिसाब से भेजा हुआ पर, लेकिन पिताजी की और घर वालों की और मोहन की किसी को चिंता नहीं है, उनको तो अपना काम चाहिए, है? कोई क्या बोला था, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, कोई कहता दही लेके आ जा, कोई कहता आलू लेके आ जा, कोई कहता कपड़े डाल के आ जा, कोई जो भी अपने जो जो भी काम आता निकलता घर से वो काम उसको करके आ जाता, करने के लिए बोल देते। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। अर्थात वो यही नहीं कहता कि मेरी जात का है, मेरी भाई का है, मेरी बरादरी का है, उनके जो अपमान है, उनका स्वाभिमान है, उसको बड़े अपमान पहुंचता, कहते भाई मेरे परिवार का है ये बच्चा है, तो नौकरी से काम कर रहा हूँ सबके, वो इस तरह स्वाभिमान का जिमकान जी रहा हो, वो तो एक प्रकार से चपरासी की तरह घर नौकर की तरह हो गया और घर नौकर की तरह काम कर रहा हूँ, ये तो उनको अच्छा नहीं लगता है, इस चीज कहते भी नहीं हो मेरे पे। और उसे घर नौकर से अधिक हैसियत होने नहीं देता था, अर्थात उसको कहता कि घर नौकर है, कभी ये नहीं कहा कि मेरी जाति का है, मेरी बिरादरी का है, मेरे समाज का है, मैं इसको पढ़ने के लिए लेके आया हूँ, ऐसी कभी किसी के सामने मुंह पर वो बात नहीं कहता, जिसे वो नौकर होता है, घरेलू नौकर होता है, इस तरह से उसे व्यवहार करता है। इस बात को मोहन भी समझने लगा था, मोहन जानने लगा था, हालांकि एक जात के थे,
एक बिरादरी के थे, एक ही गांव के थे, है अच्छा वो था, लेकिन वो नहीं कहता। मोहन भी इस बात को जानता है कि कोई बात नहीं, जिस तरह का मेरे साथ व्यवहार कर रहा है कोई बात नहीं, उसको रहना बेचारे को, परिस्थिति ऐसी थी उसके माँ बाप की, इसलिए वो तो रख लिया है उसको, अच्छी बात है, लेकिन जैसे भी रहेगा रखेगा वो रहेगा। थोड़ी बहुत हीला हवाले करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। पहले तो नाम लिखने चंद थे, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे, उसके पिताजी क्या कहेंगे, ये समझ करके और क्या नाम से रमेश ने मोहन का नाम पास के जो स्कूल था वहां लिखवा दिया। वहां चला जाए पढ़ कर आने के बाद घर में जो भी काम जो महिलाएं जो भी आसपास की महिलाएं उसको बताएं वह करें, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूल जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। पढ़ने का तो मौका नहीं मिलता उसको, पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं मिलता उसको, है जो स्कूल में पढ़ाई हुई जाती वो ठीक थी, है न गाँव में घर में आने के बाद स्कूल का काम करना लिखना वो बिल्कुल छूट गया उसका, है जो गांव के अंदर उसकी जो प्रतिभा थी जो क्या नाम से उसका नाम था वो सारा एकरफ हो गया, है अब गांव का मोहन नहीं रख करके शहर का मोहन हो गया, शहर का मोहन जैसे अब सब लोग होते हैं आम लोग होते हैं वैसे वो हो गया। उसका जीवन एक बंदी बनाए लीक पर चलता रहा, अर्थात स्कूल जाना पढ़ना पढ़ के वापस आना और उनके जो घर परिवार आस पास वाले हैं उनका जैसा भी काम बताते काम को करना, एक परिपाटी टाइप हो गया। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसी घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता। घर की याद आती है सबको, सब गांव जाना चाहते हैं लेकिन उसको गांव आने का मौका नहीं मिलता। गांव आने का मौका कब मिलता, जब उसके क्या नाम से रमेश के परिवार का कोई व्यक्ति गांव जाता, वो भी साल में एक बार, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में गुजार देना पड़ता है। अरे क्या करेगा गांव जाके, बोलते अभी कोई जा भी नहीं रहा है, अगली तैयारी कर, अगले कक्षा की तैयारी कर, अगली पढ़ाई पढ़, इस प्रकार से वो टाल देते, लपकुल कर देते। अगले दर्जे की तैयारी का तो बहाना पड़ते, बहाना था गाँव नहीं जाने का ले जाने का। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था, चला जाएगा तो गाँव यहाँ जो काम कर रहे हैं वो काम कौन करेगा, इसलिए तो यहीं रहे नौकर की तरह उनके घर का काम करता रहे ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो चला जाएगा तो घर का सारा काम उनका जो एक प्रकाश घर पे नौकर काम किया करते हैं वो का नाम से उनका नौकर दूर हो जाएगा। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, मजबूर हो गया बेचारा, विवश हो गया, और उस विवशता के कारण परिस्थिति के कारण ठीक है जैसा मोहन प्रवेश कहता वैसे काम कर लिया, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था, जाए तो कैसे जाए, दूर का मामला है, अकेला भेजता नहीं था उसको। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वो दुखी नहीं करना चाहता था, और वो जो उसके साथ भी पीड़ा हो रही है, जिस तरह का दुख दिया जा रहा है, जिस तरह काम करवा जा रहा है उसके साथ में, वो बातें वो अपने घर वालों को नहीं बताता। घर वालों को बताएगा तो पिताजी दुख होंगे, माँ बाप दुख होंगे, बहनें दुखी होगी, इसलिए घर वालों के दुख को समझ करके वो क्या नाम से किसी तरह की कोई बात उसकी पीड़ा है वो अपने घर वालों को नहीं बताता था। घर वालों को व्यवस्थित बताया वह दुखी नहीं करना चाहता था, दुखी होंगे सुनेंगे। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे, और वंशीधर जी को पता था कि अच्छा पढ़ रहा मेरा बेटा, शहर में गया है और शहर में जाकर के अच्छी पढ़ाई कर रहा होगा, तो इस तरह की बात वो करते थे। तो आज इतना ही काफी है ना, कल हम इस पाठ को पूरा कर लेंगे, ये पाठ है गलता लोहा।